हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाजन रेसिपीज़। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और ट्रस्ट मी, एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो और कोई भी तरीका आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद, बनाने के बाद अच्छी लगे तो आकर यहाँ पर कमेंट ज़रूर से करिएगा। मेरे चैनल को ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। आप मेरी फैमिली का पार्ट बनेंगे तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूंगी। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत इसको बनाने की। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 बंडल पालक के, और अब इसमें से हमें इसके जो पत्ते हैं यानी कि स्पिनच लीव्स जो हैं उसको अलग करना है, और इसके डंठल जो हैं उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि डंठल थोड़े से सॉफ्ट है तो आप उसको भी रख सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आगे हम इसको प्योरे बनाने वाले हैं। तो ये सारे पत्ते मैंने अलग कर लिए। मैंने यहाँ पर डंठल बिल्कुल नहीं रखे क्योंकि मुझे बहुत ही क्रीमी चाहिए ये ग्रेवी जो हम बनाएंगे पालक की। अच्छे से खुले पानी में, रनिंग वाटर में कोशिश करें आप धोने की इसको 3-4 बारी, जिससे कि ज़रा सा भी मिट्टी या किरकिरापन इसमें ना रहे। और 3-4 बार धोने के बाद इसको मैंने इस तरीके से छन्नी में डाल दिया है ताकि सारा एक्सेस पानी इसमें से निकल जाए। अब इस पालक के पत्तों को हमने कोई भी पैन में या कढ़ाई में आपको इस तरीके से डाल देना है बिना पानी ऐड करे। तो आपको कोई पानी ऐड नहीं करना है, ढक्कन ढक के 5-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसको छोड़ देना है, पालक अपने ही मॉइस्चर में सॉफ्ट जब तक ना हो जाए। तो ये देखिए 2-4 मिनट में ही लीव्स एकदम सॉफ्ट होने लगी हैं। 2-3 मिनट हम इसको और मीडियम फ्लेम करके अब एक बार पका लेंगे और फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो बस ये पालक की लीव्स बिल्कुल रेडी हैं। इसको गैस पे से हटा लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं क्योंकि हमें इसको ब्लेंड करना है इनटू अ प्योरे। तो कोई पानी की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। अब कुछ चीज़ों की तैयारी कर ली है मैंने यहाँ पर, जैसे 2 प्याज ले लिए, 1 बड़ा टमाटर ले लिया अच्छा लाल, उसके अलावा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्चें भी ली हैं यहाँ पर मैंने। और अब इन सबको क्या करना है, आपको एक साथ ब्लेंडर जार में डाल देना है और उसको पीस के इस तरीके से एक पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही कम। इसको रख देते हैं साइड पर, पनीर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 400 ग्राम्स इन टोटल पनीर लिया है, 200-200 ग्राम के ये 2 क्यूब्स, और इसको अब हम काट लेंगे। आप कोई भी अपने पसंद के शेप और साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। मैं जब भी कोई पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे थोड़े से थिक क्यूब्स अच्छे लगते हैं पनीर के इस तरीके से, लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कोई भी शेप और साइज़ में इसको काट कर तैयार कर सकते हैं। तो ये पनीर कट कर तैयार हो गया है, इधर हमारा पालक जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड। एक बढ़िया सी क्रीमी स्पिनच प्योरी हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सर जार में डाल के भी पीस सकते हैं। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने डाला है ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। 1 टेबलस्पून बेसन डालना है आपको उसी स्पिनच प्योरी में, और फिर से एक बार ब्लेंड कर देना है। तो ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है इससे पालक पनीर की ग्रेवी। अब हमने 2-3 टेबलस्पून तेल को गरम करा है, उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर धीमी आंच पे रख के डालना है। और जैसे ही आप लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे उसी टाइम पे आपको प्याज टमाटर का पेस्ट भी डाल देना है। और अब इसको मिक्स करना है अच्छे से, और जब तक मसाला हमारा भुने ना, यानी कि जब तक तेल ना अलग होने लगे इसमें से, तब तक हमें इसको पकाना है। साथ में बाकी मसाले डालते हैं, जैसे कि नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सब मसालों के साथ इसको अच्छे से कर दें मिक्स, और अब आप इसको पकाएंगे ढक्कन ढक के धीमी आंच करके अप्रॉक्सीमेटली 3-4 मिनट तक, जब तक कि मसाला अच्छे से भुन ना जाए, तेल अलग नज़र ना आने लगे, कुछ इस तरीके से। तो देखिए एकदम बढ़िया सा मसाला हमारा बनकर हो चुका है तैयार, और लाल रंग भी अच्छा आया है इसमें। अब इसके अंदर डाल देंगे पनीर क्यूब्स, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और बस इसके अंदर एक चीज़ हमें और ऐड करनी है। हल्का सा मैंने यहाँ पर
ऑयल ऐड करा है एक टीस्पून के करीब, और उसके अंदर डाला है एक चम्मच कसूरी मेथी, और इसको फिर से एक बार हल्का सा मिक्स कर देंगे। ज़्यादा मिक्स इसको विगरसली नहीं करना है क्योंकि पनीर टूटने लगता है। और यहाँ पर पनीर को हमें ज़्यादा देर पकाना भी नहीं है, तो बस धीमी आँच कर देंगे अब हम बिल्कुल, और धीमी आँच पर ढक्कन ढक के 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे कि मसाले के साथ जो है हमारा पनीर एक सार हो जाए। बस 2-3 मिनट पकाते ही ढक्कन हटाएंगे और फ्लेम बंद कर देंगे और इसको गैस पर से हटा लेंगे, और दूसरी जो हमने प्योरे बनाई थी स्पिनच की उसके अंदर इसको डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे, लो से मीडियम रखेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे पनीर को, और अब पकाएंगे इसको हम पालक के साथ। तो देखिए कितना बढ़िया तो इसमें कलर आया है। और बस अब ढक्कन ढक के इसको 6-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर हमें पकाना है, लेकिन बीच में हम ढक्कन हटाकर इसमें ऐड करेंगे कुकिंग क्रीम। तो 3-4 मिनट हमने इसको पका लेना है और उसके बाद ढक्कन हटा लेना है, और इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून हम डालेंगे कुकिंग क्रीम के। मिक्स करेंगे अच्छे से इसको, और अब इसको बचे हुए 3-4 मिनट जो हैं हम और पकाएंगे, और इस टाइम पे हम ढक्कन नहीं ढकेंगे ताकि हमारा पनीर जो है वो ओवर कुक ना हो। इसी तरीके से इसको पकाएंगे, और जब तक तेल थोड़ा सा इसमें इस तरीके से अलग होने ना लग जाए, मतलब कि हमारा अच्छे से पक गया है पालक। ये देखिए गैस का फ्लेम बंद करके ढक्कन ढक दिया है 2-4 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसका एक छोटा सा तड़का प्रिपेयर करेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करा है, उसमें डालेंगे 2-3 होल रेड चिलीज। तड़का बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो चलेगा, लेकिन इससे बड़ा अच्छा लुक आता है रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम। और साथ में लेंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गैस के फ्लेम पे से इसको हटा लेंगे और इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर ये तड़का जो है चम्मच की मदद से सर्विंग डिश के ऊपर इस तरीके से पोर कर देंगे। तो ये देखिए कितना लाजवाब लग रहा है तड़का ऐड करने के बाद ये पालक पनीर, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी। कलर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना लाजवाब बना है ये पालक पनीर। एकदम क्रीमी ग्रेवी होनी बहुत ज़रूरी है पालक पनीर की, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बेटर है ये। ट्रस्ट मी, रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा पालक पनीर आपको नहीं मिलेगा। जब आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो सारे तरीके भूल जाएंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल भी भूल जाएंगे, ये हो जाएगा अल्टीमेट पालक पनीर। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर से लेकर बताइएगा मुझे अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी, या आप इसे करते हैं ट्राई तो मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेज कर टैग ज़रूर से कीजिएगा। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।